एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड डूंग स्टडीज तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं नॉर्थ सेट फाइव नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन सो यहाँ इस चैनल पर रोज आपको नॉर्थ सेट फाइव की प्रिपरेशन की वीडियो मिलेगी तो so आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए क्योंकि मैं नॉर्थ के रिलेटेड प्री एंड मेन्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और रोज़ करवा रही हूँ सो so, जिन्होंने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है रोज बारह बजे वीडियो आती है नॉर्सेट फाइव की सो so आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए इस चैनल पर आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड जैसे कि नौसेट की एप्लीकेशन फॉर्म में अब आया था क्वेश्चंस आएंगे सो so, इन क्वेश्चंस को ही कीजिए ज्यादा अपने प्री और मेंस को क्लियर करने के लिए दूसरा अगर कोई बच्चा मेरी पुरानी वीडियोस देख रहा है सो so अगर किसी को ऐसे ही क्वेश्चंस के और कोई अभी आए न्यू भी ऐड हुआ है अगर किसी को ऐसे ही क्वेश्चंस के एम सी क्यू पी चाहिए आंसर विद रैशनल गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे साथ में हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे आपको ईजी लैंग्वेज में साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर ऑल एम्स पेपर मिलेंगे विद आंसर की ओनली इन टू तो आप मेरे से ये बाय कर सकते हैं ओनली इन टू में आप मेरे को कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे से ले सकते हैं और टू नाइन्टी नाइन में ये सब चीज़ें बाय करके आप अपनी नॉर्थ की और भी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनमें आपको सब कुछ मिलने वाला है सो so, जिसको बाय करना है कमेंट कर सकता है मेरी टेलीग्राम का लिंक ले सकता है और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी सो विदाउट एनी डीले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वन ट्वेंटी क्वेश्चन हम कर रहे थे सो हमारा क्वेश्चन है द प्रोडट्रिक नर्स स्पेशलिटी टीचर नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट मम्स विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल द स्पेशफाइज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिसीज़ तो देखो एक पेशेंट है उसको एक पडिट्रिशन नर्स है सॉरी टीच कर रही है नर्सिंग स्टूडेंट्स को मर्म्स के बारे में सो ऐसी कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन होती है इस डिसीज की पेन नक्ल रिजिडिटी इमर हियरिंग अ रेड स्वॉल ठीक है सो इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन होती है दैट इज नक्कल रिजिडिटी बिकॉज मम्स वाले पेशेंट में जो है मेनेंजेस में भी प्रॉब्लम आ जाती है नकल रिजिडिटी मैनेजाइटस कॉम्प्लिकेशन होती है मम्स वाले पेशेंट में सो उनमें नकल रिजिडिटी जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो है देखी जाती हैं नेक्स्ट है अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ रेस्पिरेट्री असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट बिंग ट्रीटेड फॉर एन अस्थमा अटैक द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस इज वर्जनिंग बेस्ड ऑन विच फाइंडिंग्स सो देखो एक नर्स है परफॉर्म कर रही है आ, रेस्पिरेटरी असेसमेंट क्लाइंट पर जिसको ट्रीट किया जा रहा है अस्थमा अटैक के लिए तो जो नर्स है डिटर्माइन कर रही है क्लाइंट्स का रेस्पिरेटरी स्टेटस जो कि वर्स हो रहा है उसकी कौन सी फाइंडिंग्स पर पता चलेगा उसको कि उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वर्स हो रहा है बिगड़ रहा है लाउड वीजिंग Wheezing on expiration, noticeable diminished breath sound, increased displays of emotion apprehension. सो so, देखो अगर आपने क्वेश्चन में अब अस्थमा अटैक पढ़ लिया तो आपको लगेगा वीजिंग ही पता चलेगा नहीं उन्होंने कहा है कि उनका रेस्पिरेटरी स्टेटस और वर्स कैसे पता चलेगा जब वो देखेगी कि उसकी जो ब्रेथ साउंड है प्रॉपर्ली डिमिनिज हो गई है क्योंकि जो वहाँ की पूरी म्यूकस प्लगड इन हो चुका है इतना ज़्यादा कि जो है लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से एल्वोलाइज में भी म्यूकस प्लगड इन हो चुका है पूरा भर चुका है दैट्स वाई उसकी जो ब्रेथ साउंड है हॉली हॉली आराम आराम से डिमिनेज हो रही है सो so, इससे पता चल जाएगा कि अस्थमा अटैक वाले पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है और ज्यादा बिगड़ रहा है नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपोर्टेंट इम फैक्टर टू हेल्प पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड सो so, इसमें से ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नर्स कंसिडर करेगी सिलेक्ट करेगी जो कि हेल्प करता है पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को और अच्छे से बनाने में आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड तो हमारे पास ऑप्शन है फिजिकल स्टेटस ऑफ द इनफैन ड्यूरेशन एंड डिफिकल्टी ऑफ द लेबर एंड ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस हेल्थ एंड इमोशन स्टेटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सो so, देखो उस टाइम जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चाइल्ड को और मदर के जो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप है दैट इज़ फिजिकल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट क्यों क्योंकि फिजिकल स्टेटस इस टाइम पेशेंट जो है पेशेंट कह रही कैरियर सॉरी मदर एंड फादर जो है बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड होते हैं विद देयर इन्फेंट आफ्टर अ डिलीवरी बिकॉज एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनका फिजिकल स्टेटस जो होता है इन्फेंट का वो बहुत अब देखो कोई पेशेंट जो सॉरी कोई बच्चा है जो एबनॉर्मल बॉर्न हुआ है ठीक है उसको इमीडिएटली पेरेंट्स को नहीं देते तो वो जो फिजिकल अटैचमेंट होती है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती सो so, जो मेजर है नर्सिंग सेलेक्ट कर नर्सिंग की जो इमिडिएटली हम पोस्टमार्टम पीरियड में देते हैं दैट इज़ फिजिकल स्टेटस जो होता है फैक्टर यहाँ पर

एक इमोशनल स्टेट जो है वो थोड़ी वीक कर देता है नेक्स्ट है व्हाट इज द नर्स प्राइमरी क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर ड्यूरिंग अबगार स्कोर अबगार स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये पूछ रहा है कि कौन सा प्राइमरी क्राइटेरिया होता है ऑब्जर्व करने में जब हम अबगार स्कोर करते हैं हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट प्रेशर ऑफ मेकोनियम वैल्यूएशन ऑफ द मोरो रिफ्लक्स तो आपको पता ही अबगार स्कोर अगर आपने पटा पढ़ा है दैट इज़ हार्ट रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम इन का हार्ट रेट देखना ठीक है उससे हमें पता चलता है कि जो पेशे जो फैंट है जो अभी न्यूनिट सॉरी हुआ है वह बिल्कुल ठीक है कि नहीं है अब गार की आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए क्या है ए से होता है अपीयरेंस पी से होता है पल्सेशन जी से होता है ग्राइमेज फिर उसके बाद हमारे पास ए रहता है एक्टिविटी और फिर आर रहता है हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए सो so, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार आप अब गार्कोर पढ़ लेनाट में यह बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है नेक्स्ट और अब गार को स्कोर कब करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ और आफ्टर फाइव मिनट्स ठीक है पहले हम एक मिनट पे करते हैं बर्थ के उसी टाइम और उसके बाद पाँच मिनट के बाद फिर से अब गार स्कोर की रीडिंग चेक करते हैं नेक्स्ट एयर नर्स हु इज असेसिंग अ न्यू बॉर्न थ्री मिनट्स आफ्टर बर्थ टेकिंग इंटू अ कंसिडरेशन दैट हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अलर्ट न्यूनेट मे रेंज बिटवीन सो एक हेल्दी न्यूनेट का जो हार्ट रेट है वो किस रेंज में आता है ठीक है असेस कर रही है थ्री मिनट्स बाद आफ्टर द बर्थ तो कौन सा उसका हार्ट रेट जो है कौन सी रेंज में नॉर्मल बोला जाएगा वन ट्वेंटी से वन एटी बीट्स पर मिनट वन थर्टी से वन सेवेंटी बीट्स पर मिनट वन टेन से वन सिक्सटी बीट्स पर मिनट हंड्रेड से वन थर्टी बीट्स मिनट्स सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आई नो आपको आता होगा आफ्टर थ्री मंथ्स बर्थ जो है जो जो न्यू अभी बेबी हुआ है उसका हेल्दी हार्ट रेट किस चीज के किस रेंज के बीच में आएगा so, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज केयरिंग फॉर फोर क्लाइंट्स ईच हैव वन ऑफ द फॉलिंग कंडीशन व्हिच क्लाइंट शुड द नर्स एंटिसपेट विल बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रेसफीड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सो so नर्स है चार क्लाइंट्स की केयर कर रही है जिनमें से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं चारों क्लाइंट्स को एक एक प्रॉब्लम है तो इनमें से कौन सी क्लाइंट को वो बोलेगी कि ब्रेस्ट फीड नहीं करना है मेस्टाइटर्ड इनवर्टेड निपल्स हप्पजेनेटलिस या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस तो आई नो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा एच आई वी पेशेंट को हम नहीं बोलते ब्रेस्ट फीड करने के लिए क्यों क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग वो वायरस क्या हो सकता है बेबी में ट्रांसफर हो सकता है सो इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस वाली जो मदर है उसको हम क्या बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीड नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज टीचिंग ब्रेस्ट केयर टू अ क्लाइंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स द टीचिंग वॉज इफेक्टिव तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर अ अर नॉर्सेट बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया जाता है विद अपार्स वोर तो इसको अच्छे से कर लेना सो एक नर्स है टीच कर रही है ब्रेस्ट केयर के लिए क्लाइंट को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है वो सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग वाली क्लाइंट्स को तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो क्लाइंट की इंडिकेट करेगी कि उसको ये एजुकेशन समझ आ गई है आई शुड एयर ड्राई माई रिपल्स आफ्टर ईच फीडिंग माइल्ड सोप इज अप्रोप्रिएट फॉर सोपिंग माई ब्रेस्ट वॉशिंग माई ब्रेस्ट

बिकॉज सो so, एक क्लाइंट था उसका ओ टाइप का आर एच पॉजिटिव ब्लड था और उसका जो न्यूनेट हुआ उसका टाइप बी आर एच नेगेटिव ब्लड है इसमें क्या हो गया आर एच इनकम्पैटेबिलिटी सो so, नर्स जब असेस कर रही है बारह घंटे गंत, ग्यारह घंटे बाद बच्चे को तो उसका जो स्किन कलर है वो येलो दिख रहा है तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ है न्यूनिटल सेप्सिस आर एच इनकम्पैटेबिलिटी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आर ए बी ओ इनकम्पैटेबिलिटी सो so, देखो इसमें आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गए बाकी तो काफ़ी में हो सकते हो इन तीनों में भी हो सकते हो बट अगर आप इनको ध्यान में देखो तो एक ओ का है एक बी का है ठीक है सो देखो पेशेंट को इस टाइम ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी हुआ है आर एच इनकम्पैटेबिलिटी नहीं हुआ है क्या हुआ है ए बी ओ इनकम्पैटेबिलिटी कन्फ्यूज़ मत होना ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं नॉर्थ में सो so इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो मोस्टली जो ए बी ओ इनकम्पैटेबिलिटी होती है बिफोर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द बर्थ होती है और जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ देखने को मिलती है ठीक है दोनों में ये डिफरेंस है सो so, इस चीजों को याद रखना सो so, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उन एम सी क्यूज़ के पी में मिलेंगे विद आंसर एंड रैशनल मिलेगा आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे एंड आपको ऑल एम्स पेपर मिलेंगे विद आंसर की ओनली इन टू नाइन्टी तो आप बाय कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं मेरे को इसी वीडियो के नीचे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ से आप फोटो स्टेट करा के पढ़िए उनको कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं ताकि आपकी प्री एंड मेन्स की तैयारी हंड्रेड से हो सके नोट्स और सेट बेस्ड ही बना रखे हैं एम भी सिनारी बेस्ड प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सारे एम्स के जो कि आपको प्री की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नर्स इज इन न्यू बॉर्न नर्सरी ऑब्जर्व ये बर्थ व्हाट इज इमीडिएट नर्सिंग एक्शन तो एक नर्स है नर्सरी में ऑब्जर्व करती है कि का बर्थ कैसे हुआ है तो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर सर्टेन हाउ मेनी आर बोर्न टेक अ हील ब्लड सैंपल एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी कवर द आइज एंड प्लेस दूनिट अंदर

जो उसको पैथोलॉजिकली जॉन्डिस होता है दो तरह के होते हैं फिजियोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकली सो उसके लिए सबसे पहले इमीडिएट एक्शन क्या होगा हमें पता होना चाहिए कि न्यूनेट का बर्थ कब हुआ है कि वो पैथोलॉजिकली जॉन्डिस की तरफ जा रहा है कि वो साइकोलॉजिकली जॉन्टिस की तरफ जा रहा है सो दिस इज द राइट आंसर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जो इन फैंट्स के रिलेटेड सो so, इन वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लग रही है और अपना पढ़ने पे पूरा जोर लगा दीजिए पेपर नियर बाई ही है अगर नॉर्थ सेट की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप टू वाला पैक जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है बाय कर सकते हैं मेरे से कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक लेके उसमें आपको एम सी क्यू उसके पी डी एफ मिलेंगे आंसर विद रैशनल मिलेंगे गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि हर एक नर्सिंग सब्जेक्ट का एक्स्ट्रैक्ट है उस के बाद हर एक एम्स का पेपर मिलेगा आंसर की के साथ और उसी के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे सो so आप ये सब मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ नौसठ की प्रिपरेशन के लिए सो so बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच एंड डू वर्क ऑल द बेस्ट बाय